और सरकार से हमारी बात चल रही है, वो झूठी सच्ची बंजारा मार्केट बोल के और एक दूसरी बंजारा मार्केट बनाना चाहते हैं, हमारे पेट पे लात मारना चाहते हैं, गलत कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे हैं, बाकी लोग बाहर के बंदे हैं। ये बोलेगा हेलो नमस्ते सक्षे अकाल। हाँ जी किद्दा फिर। तो आज आए हैं बंजारा मार्केट में। तो बंजारा मार्केट जो मोस्टली गुड़गांव में लोगों को पता ही है, शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बट आज हम देखने आए हैं कि भाई कितनी वर्दी है, जो यहाँ का सामान लिया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है, और जो रेट ये देते हैं क्या उसके लिए वो लायक भी है। तो फाइंड आउट करते हैं, चलते हैं बंजारा मार्केट में। इस टाइम मैं वैसे खड़ा हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर से, आगे क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, रेट भी पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बंजारा मार्केट पहले जैसी अब रही नहीं है, तबाहो बर्बाद कर दी गई है, नेस्तो नाबूद हो गया है। ये सामने पहले सारी मार्केट लगा करती थी, मैं एक दो बार यहाँ पहले आया हूँ, ये सब मार्केट हुआ करती, यहाँ पे टेंट वगैरह हुआ करते थे, जो लोग यहाँ पे बैठा करते थे और सामान बेचा करते थे। पर गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो तोड़ दिया है। बाकी जो बचा है वहाँ पे आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं। ये कुछ भाई लोग हैं जो यहाँ बंजारा मार्केट में हैं, इन्हीं की यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं। भाई यहाँ पे एक दीदी भी हमारी, तो ये लोग कह रहे हैं कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जो बंजारा मार्केट है वो बिल्कुल यहाँ से हट चुकी है। हमें भी यही कहा गया था, पर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ पहले से कम है, बट मार्केट कहीं नहीं गई है। आप लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ पर आप पहले आते थे, जिस टाइम आते थे, वहीं पर आइए। हाँ जी भैया कुछ कहना है। हाँ जी हाँ जी, बंजारा मार्केट की झूठी सच्ची अफवाहें फैलाई जा रही है, असली बंजारा मार्केट यही है। वो जो बंजारा मार्केट बनानी है वो कुछ हमारे कास्ट के लोग भी नहीं है, उसमें 10-5 लोग शामिल हुए हैं, बाकी बाहर के बंदे हैं। हमारे जो असली बंजारे हैं वो यहीं बसे हुए हैं सर, कोई भी नहीं गया बाहर यहाँ से। और सरकार से हमारी बात चल रही है, वो झूठी सच्ची बंजारा मार्केट बोल के और एक दूसरी बंजारा मार्केट बनाना चाहते हैं, हमारे पेट पे लात मारना चाहते हैं, गलत कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे हैं, बाकी लोग बाहर के बंदे हैं। ये बोलेगा, बोल बोल थोड़ी तुम बताओ भैया। तो ये भाई वैसे कुछ बोलना जाने रहे, दीदी ने बताया है कि मेन बंजारा मार्केट जो पहले थी और वो अभी भी यही है, सेक्टर 56 में ही, जलवायु विहार जो था उसके सामने ही। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके साथ के कुछ लोग थे जो यहाँ से चले गए हैं 10-15, और जो दूसरी जगह इन्होंने बनाई है, बट एक्चुअल बंजारा मार्केट यही है। यहाँ पे कुछ मैट्स अवेलेबल हैं, दीदी बताएंगी। दीदी क्या रेट है इनका, ये कितने का है? 600 रुपये का। अच्छा, और ये वाला नीले वाला 2000 रुपये का है, 5x7 का है। 5x7 का है, ये थोड़ा महंगा बता रहे हो। तू बता दे सस्ता कितने से मिलेगा। दीदी मैं बोलूँगा तो फ्री में दे दो, दे दोगे? फ्री में ले जा बेटा। नहीं आप बताओ ना कितने का दोगे, कितना दोगे बोलो। नहीं आप बताओ, आप नहीं बताओ, वैसे मैं देख रहा हूँ ये वाला जैसे ये है तो कितने तक का पड़ जाएंगे बोलो, बोलो क्या दोगे? आप बताओ कुछ तो बोलो। 1500 का। ये 1500 का। और ये वाले कितने के हैं? ये वाले 400 रुपये का। सारे 400 के हैं, ये वाले 400 के हैं। ओके, और साइज़ क्या है इतना इनका, कितने बड़े हैं ये? ये छोटे से हैं, डोर मैट टाइप के हैं।
यहाँ फर्नीचर मार्केट है। यहाँ कुछ फैंसी लाइट्स हैं, इस टाइप की लाइट मेरे जिम में भी लगी हुई है तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। रात को जब ये सिर्फ अंधेरा कर दीजिए और ये जब चलेंगी और कोई लाइट ना हो तो बहुत प्यारा लुक आता है पूरे रूम का। दीदी ये कितने की पड़ेंगी, ये वाली और ये वाली? दोनों 600 का एक है। ये तीनों, ये पूरा पेयर सेम है ना? ये वाला तो 600 रुपए की एक है और ये 1800 रुपए की बता रही है। ये है बुद्धा की शॉप, डिफरेंट साइज, अलग अलग टाइप के बुद्धास बने हुए हैं डिफरेंट कलर में। दीदी ये कितने के हैं आपके? ये कितने के हैं? 1500 के हैं। और ये भोलेनाथ कितने के हैं? हाँ जी 2500 के। अच्छा वो जो बुद्धा पड़े हैं बड़े वाले वो भी 2500 के। तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखिए पिंक कलर में, ये स्टैंड्स के साथ भी हैं। बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, थोड़े कॉस्टली तो हैं बट स्टिल अच्छे हैं। तो अभी जब हमने स्टार्ट की वीडियो तो हमें कुछ लोग मिले थे जिन्होंने हमें स्पेशल बुलाया और ये बोला है कि आप लोग वीडियो डालिए, सबको बताइए बंजारा मार्केट यहीं है और हम लोग कहीं गए नहीं हैं। और यहाँ पे एक दो लेडीज़ बैठी हैं जिन्होंने सीधा हमें ये बोला है कि तुम्हें तोड़ फोड़ करके आराम नहीं आया क्या? तो इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग इनके आके तोड़ फोड़ करते हैं। बोल दो, तो वापस मार्केट कहीं नहीं। ये देखो ये दीदी कह रही हैं, एक मिनट दीदी मार्केट आ गई वापस? मैम यहाँ पे है वापस मार्केट, कहीं नहीं गई है, शुरू से यहाँ है और यहाँ पे ही रहेगी मार्केट। नई मार्केट सब बकवास है, आपको जो आप सामान लोगे उसी रेट में मिलेगा, वही सामान मिलेगा वही रेट मिलेगा, कभी भी किसी टाइम पे हर एक रोज कभी भी आना। उधर तो दीदी अभी मैं हो क्या हूँ, वो तो हमें कह रहे हैं तुमने तोड़ फोड़ की है। अब ऐसे अगर ये लोगों से बात करेंगे तो कौन आएगा आप लोगों के यहाँ पे? नहीं नहीं मैम वो तो जैसे थोड़ा नहीं ठीक है दीदी, हम लोग अगर तोड़ फोड़ वाले होते तो सीधा के तोड़ फोड़ करते ना। यहाँ से सफाया करवा गया है क्योंकि हमने ये देखिए पीछे तोड़ फोड़ हुई है इनकी। हाँ। तो ये लोग भी बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों का भी मेहनत है इतनी, तो जो गवर्नमेंट ने आगे तोड़ फोड़ की है वो गवर्नमेंट की गलती है, पर ये लोग यहीं पे ही हैं अभी। वापिस यहीं जम गए, आपको हर एक फर्नीचर मिलेगा, पूरा सामान मिलेगा, कुछ भी ले सकते हो, आपको वही मार्केट है, वही सामान, वही लोग, सब कुछ वही। पर यहाँ पे कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे जो मतलब तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। एक आगे दीदी और भी मिली थी, वो भी कह रहे थे कि सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा ही है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पहले मार्केट थी एग्जैक्ट वहीं पे अभी भी है। 20 साल से है यहाँ पे मार्केट है, वो मार्केट रहेगी। जो नए लोग हैं वो चले गए हैं, आपको नहीं, आप जो वो रेट है ना वही रेट मिलेगा, आप कभी भी आ जाना वही मार्केट लगेगी, कहीं कुछ भी कहीं नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ पैसा रही, तो सब यहीं पे ही है। तो आप लोग कहीं और मत जाइएगा, जो दूसरी झूठी बातें आपको बोल रहे हैं कि शिफ्ट हो गई है, कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है, सब यहीं पे ही है। कुछ शिफ्ट नहीं हुआ, सारे लोग यहाँ पे ही है और यहाँ पे पड़े रहेंगे। यहाँ नहीं, पीछे हमारी झुग्गी डल गई है, सामान लगा गया है, छोटी छोटी दुकानें हैं, अभी बारिश के मौसम में झुग्गी भी बना लेंगे, पूरा सामान मिल जाएगा, कुछ भी ले लेना आप, हर एक चीज मिलेगी आपको। यहाँ पे ये मग वगैरह है, दीदी कितने रुपए का ये वाला मग, ये बता दो? 50 रुपए का मग है, काफ़ी बड़ा है साइज में। ये सारे मग 50 रुपए के हैं? एक मग मतलब? हाँ। कोई सा भी? ये जो ब्लू वाले पड़े हैं? हाँ। ये बड़े वाले कप कप है 50। अच्छा, और ये नीले वाले और ये वाले कितने का है? ये सब 50। तो मग वगैरह तो सही है, सही रेट में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉस्टली है। हाँ
यहाँ पे ये कुछ पिल्लोज वगैरह हैं, मैट हैं, क्या रेट पड़ेगा भाई मैट वगैरह? ये 800 पिल्लो, 800 के ये 150 वन पीस, 150 वन पीस, ये 5 पीस है 1200 रुपए के, ये हैं पिल्लो कवर हैं, हाँ पिल्लो कवर 1200 के, बैड साइड रनर है 1200 रुपए, 1200 7x5 का कारपेट है, ये पड़ेगा आपको 4500। कुछ फिक्स प्राइस है या फिर कुछ है डिस्काउंट वगैरह? तो जो आते हैं जब होता है, जब आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो वैरायटी भाई के पास मिल जाएगी जितनी चाहिए होंगी आपको। मैं कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे वहाँ पे पसंद आई, तो अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो प्लीज डू लेट मी नो। तो बंजारा मार्केट जितनी पहले बड़ी थी अब उतनी बड़ी नहीं रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तोड़फोड़ की है काफ़ी ज़्यादा, तो लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पे जितने भी बंजारे थे, और इन लोगों का घर टूट जाए तो इन लोगों को वापस सब कुछ पहले ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग इन लोगों को सपोर्ट दिखाइए, बंजारा मार्केट जहाँ पहले थी अभी भी वहीं हैं, हटी नहीं है, हाँ पहले से कम है, आप लोग आएंगे तो इन लोगों को और हिम्मत मिलेगी, ये लोग वापस अपना सेटअप कर पाएंगे। हाँ गवर्नमेंट ज़मीन है तो गवर्नमेंट तो हटाएगी, गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है, ये लोग अपनी जगह ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इन लोगों के साथ मिल बैठ। बाकी पहले जैसा बंजारा मार्केट अभी है नहीं, हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए आप लोग भी यहाँ पे आइए, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।